हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर जो आपां गल कीती सी आपां यूक्लिड दीआं परिभाषावां बारे गल कीती सी कि ज्योमैट्री दे विच उसने किस टाइप परिभाषावां बारे गल कीती है। तो उस परिभाषा तो आरंभ करते हुए यूक्लिड ने कुछ स्वै सिद्ध दिते हैं, स्वै सिद्ध एक्सियम्स की है। कुछ का रिजल्ट्स नूं उन्हें डायरेक्टली प्रूफ किया हो, मतलब जिन्होंने अपने आप ही सच मनिया गया है, जेड़े आप हल नहीं किते जा सकते, तो वो कल्पना की है कुछ क रिजल्ट की जिन्होंने उन्हें की कहा स्वय सिद्ध। तो उन्हें की किया इस कैटागरी जो भी परिभाषावां तो शुरू करके नतीजों उन्होंने सच की कल्पना की है। तो उस परिभाषावां तो उसने की किया दो कैटेगराइज करता, स्वै सिद्ध जिस दी आपां गल कीती है एक्सियम्स बोलदे आ जिस नूं, दूसरी गल कीती है मूल धारणावां दी पोस्टुलेट्स दी, पोस्टुलेट्स दी। हुण इन्हां दोहां च डिफरेंस की है? पहली गल, दोनों जो कॉन्सैप्ट ने और दोनों कॉन्सैप्ट उसने की कल्पना कीती है कि ये बिना प्रूफ तो मन्ने गए हैं, सच मन्ने गए हैं। फर्क ही है मूल धारणावां, जिहड़ा मूल शब्द लिया क्योंकि उन्होंने जमायती नाल संबंधित काम किया, तो इहदा मतलब जिहड़ियां धारणावां जिहड़े रिजल्ट सिर्फ जमैट्री नूं बिलोंग करदे सी, जमैट्री नाल संबंधित सी, उह सी मूल धारणावां, मूल धारणावां। ते जिहड़े रिजल्ट जमैट्री तो बिना अपनी आम जिंदगी च वरते जांदे ने उहनां नूं उसने की कहा एक्सियम्स, स्वै सिद्ध। आ डिफरेंस है। जो दिया परिभाषावां ने सारिया परिभाषावां उन्होंने दो च कैटागराइज करता, स्वै सिद्ध, पोस्टुलेट्स, मूल धारणावां। मूल धारणावां की स्पैशलिटी क्योंकि मूल वर्ग को जमैट्री नाल संबंधित सी, तो जो जमैट्री नाल संबंधित रिजल्ट ने वो पोस्टुलेट्स च आ गए। तो बेसिकली एक्सियम की है? जो सर्वव्यापी सच ने, सर्वव्यापी का मतलब जमैट्री तो बिना अपने प्रैक्टिकल लाइफ दे विच किसी भी खेत्र दे विच जिन्हां दी वरतों की जाती है वह ने एक्सियम्स, स्वै सिद्ध। हुण देखो पहला स्वै सिद्ध उन्हें की कहा, पहला स्वै सिद्ध की कहिंदा है? ओह वस्तुआं जो एक ही वस्तु दे बराबर होन आपस विच, बराबर होंदिया हन। यह उहदा पहला स्वै सिद्ध है। तुसी समीकरण हल करते हो, है ना, करते हो ना, तो आप की करते हैं, मान लो ए की दे बराबर आ गया सी दे, अते बी की दे बराबर आ गया सी दे, तो आप लिखते हैं समीकरण एक अते दो तो, जो आप हल करते हैं, आप लिखते हैं समीकरण एक अते दो तो, सज्जे पासे बराबर है तो खब्बे पासे भी की होंगे बराबर, है ना। आप ही लिखते हैं ना, चेक करो, ओ वस्तुआं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं, आप दो वस्तुआं ले लिया ए ते बी, जो एक ही वस्तु के बराबर हैं वो आपस विच भी की होंगिया बराबर होंगिया। इहदी परिभाषा अपनी दैनिक जीवन दे विच की होगी, थर्ड परसन मेरा भरा है, वो तुहाड़ा भी की है भरा है, तो अपना रिलेशन भी की हो भैन या भरा का होगा, है ना, तो एक दूजे के की होंगे बराबर। तो यह एक सर्वव्यापी सच है, ये कली जमैट्री च नहीं लगता, ये आप अपनी जिंदगी होर किते भी लगा सकते हैं। तो यह हो गया वह पहला स्वै सिद्ध। दूसरा, जे बराबरा नू, जे बराबरा नू बराबर विच जोड़िए, तां जिहड़ा रिजल्ट आंदा है, जिहड़ा नतीजा आंदा है, जिहड़ा जोड़फल आंदा है, वह भी की होंदे है बराबर होंदे है। इहदा दूसरा है, जे बराबरा नूं बराबर विच जोड़िए तां जिहड़ा रिजल्ट भी की होंदा है वह की होगा बराबर होगा। उदाहरण, ए किहदे बराबर है बी दे,
सी कि बराबर है डी दे। हुण पहली लाइन की कह रही है, दोने बराबर ने, है ना, बराबरों बराबर से जोड़ना है, दोहां नू जोड़ो, समीकरण एक अते दो नू जोड़न ते, जदों दोहां नू जोड़ांगे वह भी की आएंगे बराबर आएंगे, है ना, तो जोड़फल भी की आऊगा बराबर आऊगा। यदि उदाहरण अपनी लाइफ च, मेरे को 50 रुपये है, थोड़े को भी 50 रुपये है ना, फादर तो 20 रुपये तुसी ले, फादर तो 20 रुपये मैं ले, तो वह आप लै ले, आपस से जुड़ गए तो दोहां कोल किन्ने किन्ने हो गए, 70-70 रुपये हो गए। ये चीज़ तो तीसरा की कहते, इतने आप गल की सी जोड़फल की, तीसरा जे बराबर बराबर विचों घटाइए, विचों घटाइए तो जिहड़ा रिजल्ट आता है, माइनस करके जिहड़ा आता है वह एक दूजे के की होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे। हम सेम चीज़ है, इत्थे आपां प्लस किया सी, ए बराबर है बी अते सी बराबर है डी, इत्थे आपां की कर दिंदे, घटा कर दिंदे, एक विच्चों दो घटाउण ते खब्बे चो खब्बा सज्जे चो सज्जा, तो यह भी आपस की ने बराबर ने। तो यह हो गए अपने तीन स्वै सिद्ध। मेरी कोशिश है, मैं ताही उदाहरण नाल लै रहा ताकि थोड़ा समझ आ जाए, ये चीज़ आप अपनी लाइफ हमेशा यूज करते हैं, मैथ्स तो करते करते हैं, अपनी लाइफ भी होंगे, तुहाडे कोल 100 रुपया, मेरे को 100 रुपये, 25 रुपये की चीज़ मैं ले आया, 25 की तुसी चीज़ ले आए, तो दोहां चो माइनस हो गए किन्ने किन्ने बच गए, 75-75 रुपये बच गए। हुण आपां अगले स्वै सिद्ध की गल करते हैं, चौथा स्वै सिद्ध की कहता है, ओहो वस्तुआं जो एक दूजे दे संपत्ति हन, संपत्ति को इंसीडेंट, संपत्ति की हुंदा है को इंसीडेंट, एक दूजे दे बराबर हुंदिया हन, ये बिल्कुल सेम एज अपना जो पहला है उसे नाल दा ही है, संपत्ति होंदी है बराबर एक दे उपर एक। फिफ्थ, पूरन हमेशा अपने भाग तो वड्डा हुंदा है, इहदा मतलब, पूरन का मतलब होगी कंप्लीट संख्या, अपना भाग जो उहदा हिस्सा है, कोई भी एग्जाम्पल लै लो, मैं एक सर्कल लै लिया है ना, चक्कर लै लिया, चाप उहदा हिस्सा है तो चक्कर चाप तो की है वड्डा है ना, आपां एक संख्या 4 लै ली या 1 लै ली, उहदा हिस्सा अद्धा करता तो एक हमेशा अद्धे तो की है वड्डा, एक तिहाई तो की है वड्डा, दो तिहाई तो की है वड्डा, ठीक। तो यह सी अपनिया पांच। हुण आपां छेवीं दी गल करदे हां, एक ही वस्तुआं दे दुगने आपस विच बराबर हुंदे हन, एक ही वस्तुआं ने है ना, तो एक ही वस्तुआं मान लो ए ते बी, उन्हां दा की करता दुगना, दो नाल गुना करन ते दो ए बराबर है दो बी, वह भी की होंगे बराबर। फिर उदाहरण मैं पैसे नहीं लै रहा, मेरे को 100 रुपया, तुहाडे कोल 100 रुपया, आप दुगने करते पैसे, अपने को होर किसी पास्यों आ गए तो मेरे को 200 हो गए, तुहाडे कोल भी किन्ने हो गए 200 हो गए। हुण अगली उदाहरण करिए, सेम जो है इसते अगली स्वै सिद्ध करिए, एक ही वस्तुआं दे अद्धे आपस विच
बराबर होंगे हैं, ये भी बिल्कुल सेम चीज़ आ गई। एक ही वस्तुआ ले लिया ए बराबर है बी, दोहां दा की करता अद्धा करता, वो भी की होंगे बराबर। असल जो दोस्तों जिहड़े आ दो स्वै सिद्ध है ना अपने इहदे यूक्लिड दे, ये जो आप समीकरण हल करते हैं ये उस काम आते हैं। आप मैं उदाहरण लेके चलदा, आप अठवीं क्लास से समीकरणा कीतियां हुई हैं, मैं एक छोटी जी उदाहरण इस दी ले रहा। आप इत्थे की करते हैं एक्स नूं चार वटे दो करके दो नाल वंड दिंदे है ना, पर असल दे विच इहदा स्टैप की बनता है, इत्थे एक स्टैप आप मिस करते हैं, आप डायरैक्ट कोशिश करते हैं। असल च एक समीकरण जो हल हुंदी है वह किवें हल हुंदी है आप उस पर गल कर रहे हैं थोड़ी जी, मैं इस हिसाब से यूज कर रहा। दो एक्स बराबर है चार, तो एक्चुअल दे विच इत्थे कोई निशान नहीं है, इत्थे की होगी गुणा। तो असल दे विच जे मैं समीकरण लिखा, ये समीकरण आए लिखी जाऊगी है ना, तो फिर आप दो नाल की करते हैं वंडते हैं, दो नाल वंडन दे, दो गुना एक्स वटे दो चार वटे दो, दो नाल दो कट गया एक्स बराबर है दो। तो ध्यान नाल देखो ये चीज़ इत्थों बनी है। इत्थे यूक्लिड ने दुगने ते अद्धे दी गल कीती है क्योंकि उस टाइम तक शायद हो सकता इन्नी की जरूरत होवे, पर अज आपां अगर तीन हुंदा आपां तीन नाल वंड दिंदे आ, पंज हुंदा पंज नाल वंड दिंदे आ, दस हुंदा दस नाल वंड दिंदे आ, तां असल दे विच कॉन्सैप्ट इत्थों ही लिया गया। सेम उदाहरण जे मैं लै रहा, मान लो एक्स वटे तीन बराबर है पंज, तो आपां सीधा की करदे आ, आपां पंज तिन्ना गुणा कर दिंदे है ना, पर असल दे विच कॉन्सैप्ट की बनता है, एक्स वटा तीन बराबर है पाँच, तीन दी उरे वंड है, आप तीन नाल की कीती गुणा कीती, उन्हूं हल करन दे लई तीन नाल गुणा करन ते पाँच गुणा तीन, तीन नाल तीन कट गया। तो असल दे विच जिहड़े आपां ला ऑफ ट्रांसपोज यूज करते हैं आप समीकरणों नूं हल करन दे विच, तो किते ना किते ये यूक्लिड दे ही देन है, डायरैक्ट या इनडायरैक्ट विच। ठीक है, उस टाइम यह सिर्फ दुगने या अद्धे तक सी बाउंड सी, हुण टाइम दे अकॉर्डिंग तीन गुना चार गुना दस गुना भी गुना सौ गुना वो अकॉर्डिंग आप इस पर चर्चा की सी। तो हुण आप अगले कॉन्सैप्ट चलते हैं मूल धारनावां ते। हुण आपां जो गल करते हैं, आपां मूल धारनावां ते गल करते हैं, पोस्टूलेट्स ते गल करते हैं। तो आपां गल कीती सी जो पोस्टूलेट्स ने मूल धारनावां ने वह सिर्फ जमैट्री नाल संबंधित ने, मूल धारनावां पोस्टूलेट्स। पंज मूल धारनावां यूक्लिड ने दित्तियां। सब तो पहली मूल धारनावां की कहती है, एक बिंदु तो दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा खिंची जा सकती है। तो फिर यूक्लिड हम देखो की कह रहे हैं, कहने एक बिंदु ए रहा एक आ रहा, इन्हां दोहां तो एक सीधी रेखा, सिर्फ एक ही रेखा खिंची जा सकती है। तो आप पहला गल की सीधी का मतलब उन्हें एक पद्धर शब्द तो लिया होया है ना, ध्यान दे पिछले आप पार्ट्स गल की सी। हुण रेखा तो आए भी हो सकती है पर यह सीधी नहीं हैगी क्योंकि यह वक्र शेप च है रेखा, सीधी रेखा सिर्फ कड़ी आ है रेखा खिंची जा सकती है। तो इतने आप भी कह सकते हैं, देखो इतने जो पॉइंट बनते हैं रिपीट, क्योंकि आप इदू पहले ये सारा डिस्कस कर चुके, रिपीट कर रहे हैं मोदे विच, क्योंकि जिम्मे जिम्मे टॉपिक आ रहा आप उत्थे रिपीट करा। तो पहला पॉइंट फिर की हो गया, दो बिंदुओं तो एक विलक्षण यूनिक मतलब एको ही सिर्फ रेखा खिंची जा सकती है, जो इहदा सब तो इंपॉर्टेंट जो इहदा पहला पार्ट है, क्योंकि यूक्लिड ने जो गल कही है उन्हूं अज सिर्फ आपां एक चेंज की है वर्डिंग, जो अपना कॉन्सैप्ट है वो एज इट इज़ एज इट इज़ ही चल रहा है कि दो बिंदुओं के विचों आपां एक रेखा खिंच सकते हैं। ठीक, नंबर दो, एक शांत रेखा नूं अनिश्चित रूप विच वधाया जा सकता है। हुण शांत रेखा या टर्मिनेटेड लाइन,
असल दे विच की है जे उस टाइम जो इन्हें शांत रेखा वर्ड कहा है वो अज जो आप रेखाखंड यूज कर रहे हैं लाइन सैगमेंट वो गल की है उसने अज आप रेखाखंड की गल कर रहे हैं ना तो की कह रहे हैं कहिंदे एक जो रेखाखंड है दो बिंदुओं उसनों आप वधा सकते हैं अनिश्चित रूप से भी गल सही है जो आप कर चुके है ना तो एदा ये हो गए ये दो पोस्टुलेट्स जिस ते आप गल कीते सी ते थर्ड दा पोस्टुलेट की कहिंदा है किसी भी बिंदु नूं केंद्र मन के चक्कर खिंचा जा सकता है जो एदा तीसरी मूल धारणा है तीसरा पोस्टुलेट है की कह रहा है किसी नूं केंद्र मन के अते अर्धव्यास लै के चक्कर खिंचा जा सकता है तो तुसी छेवीं क्लास तो चक्कर खिंचन बारे कहा हो करते हो थोड़ा क्वेश्चन की आता सी 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास का चक्कर खिंचो 2 सेंटीमीटर अर्धव्यास का चक्कर खिंचो तुसी प्रकार खोलते सी प्रकार रखी तो घुमाती अपने को आ जाता चक्कर तो देखो लाइन में ध्यान पढ़ के देखो किसी नूं केंद्र आप जिथे प्रकार रख लें केंद्र मान लेंगे अते अर्धव्यास जिनी आपू अर्धव्यास कहा हों 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर उन्नी आप प्रकार खोल लेंगे तो आप चक्कर खिंच लेंगे तो यह अपना चौथी मूल धारणावा जो उसने कही सी सारे समकोण आपस विच बराबर होंदे हन इहदे विच कितना कितने स्वै सिद्ध आ गया एक दूजे के बराबर आपस में बराबर होंगे हुण सारे समकोण है मान लो मैं एक कोण इत्थे बनाता ए 90 डिग्री एक इत्थे बनाता एक इत्थे बनाता है ना तो फिर अगर आप लिखिए कोण ए 90 डिग्री कोण बी 90 डिग्री कोण सी 90 डिग्री तो यह स्वै सिद्ध की कहता सी जो एक दूजे एक किसी होर वस्तु के बराबर ने वो आपस में भी की ने बराबर ने बस फर्क की पै गया वो जोड़े स्वै सिद्ध से वह यूनिवर्सल धारणा में से हरेक खेत्र लगते सी तो इतने जी मूल धारणा आ गई पोस्टुलेट्स आ गया इसके की लग रहे हैं ज्योमेट्री पार्ट्स लग रहे तो यह होगी यदि चौथी मूल धारणा हुण आपां पंजवीं ते चलते हाँ हुण आपां जो गल करनी है यूक्लिड की पंजवीं मूल धारणा की गल करनी है आपां लास्ट पार्ट जो समांतर रेखावां ते गल कीती सी तां इस बारे चर्चा कीती सी देखो की कह रही है एक सीधी रेखा जिथे इनू काटवीं रेखा मनिया गया दो सीधिया रेखावां ते गिरके मतलब कट के एक पासे दे दो अंदरूलने कोण बनांदी है दो रेखावां ने एक सीधी रेखा की कर रही है कट रही है तो एक पासे दो अंदरूनी कोण बनांदी है आ रही तुहानू शकल तों ध्यान च आ गया होगा आपां किहड़े पार्ट की गल कर रहे हैं ता इन्हां दोहां कोणां दा जोड़ मिल के दो समकोणां तों घट होवे मतलब ये दोने की होन न्यून कोण होन दो समकोणां तों घट होवे न्यून कोण होन है ना ता ओ हुण देखो इत्थे ये भी हो सकता है एक अधिक बन जाए एक न्यून बन जाए कोई गल नहीं ता ओ दोनों रेखावां नूं अनिश्चित रूप विच वधाए जाण ते उसे दिशा विच मिलदियां हन आ मिल गईआं जिस दिशा विच यह जोड़ समकोण तो घट होंदा है ये यूक्लिड की पंजवीं मूल धारणा है कितना कितने जो आप स्टेटमेंट देखते हैं बड़ी औखी लगती है पर दोस्तों औखी नहीं ये कॉन्सैप्ट उ है जो आप समांतर रेखावां दे नाल संबंधित किया सी तो यह उसने जो गल की है यूक्लिड ने यह मूल धारणावां की गल की है हुण आ दोहां दा जोड़ 90 तो घट है तो हुण आपां नूं क्लीयर है ये जो कोई बन गई अपने को तिकोण बन गई ताही अपना तिकोण का जो रिजल्ट बनया है तिकोण दे तिने कोणां दा जोड़ 180 हुंदा है तो यह सी यूक्लिड दीआं पंज मूल धारणावां कुछ कु स्वै सिद्ध तो कुछ कु उसदीआं परिभाषावां जिस दे बिहाफ ते उसने जमायती ते गल कीती हुण आपां कुछ इकाई दे क्वेश्चन ते गल करदे हां जो इकाई दे क्वेश्चन है
हुण आपां कुछ क्वेश्चन्स ते गल करदे हां जो अपनी एक्सरसाइज 5.1 नाल संबंधित है। देखो फोर्थ क्वेश्चन है, कहिंदे जे दो बिंदुआं ए अते बी विचकार एक बिंदु सी अजिहा स्थित है कि ए सी बराबर है बी सी, ए ते बी है, कहिंदे सी इस अकॉर्डिंग स्थित है कि ए सी बराबर है बी सी, मतलब सी इहदे बिल्कुल विचकार च है, आ हिस्सा किहदे बराबर हो गया आ हिस्से दे, तां सिद्ध करो ए सी बराबर एक वटे दो ए बी। ठीक, हुण सब तो पहला देखो पूरी शकल ए बी, ए बी नू सी ने दो हिस्से वंडता, एक ए सी च एक बी सी च, है ना, सी हो गया ना, किस वंडता ए सी प्लस बी सी। हुण आपां नू की चाहिए, देखो ध्यान नाल, ए बी चाहिए उवें दा उवें, ए सी चाहिए ते बी सी किहदे बराबर दे रखे ए सी दे, तां बी सी दी आपां कीमत भरांगे ए सी, क्योंकि ए आपां नू दे रखे। ठीक, ए सी प्लस ए सी दो ए सी, तां इहदा मतलब ए सी किहदे बराबर आ गया एक वटा दो ए बी, या आपां इह कह सकदे हां जो ए सी है ए बी दा की है अद्धा है। तां इह हैगा आपणा इकाई दा चौथा क्वेश्चन, ते हुण आपां अगले क्वेश्चन ते गल करदे हां। अगला क्वेश्चन इसे नूं अगे वधा रहा है, क्योंकि देखो जदों ए सी ए बी दा अद्धा हो गया तो क्लीयर हो गया की हो गया, जो सी है रेखाखंड ए बी दा मध्य बिंदु है, क्योंकि ए सी अद्धा हो गया मध्य बिंदु है। तो हुण पंजवां क्वेश्चन की कह रहा है, कहिंदे भी इस दे अकॉर्डिंग सी ए बी दा मध्य बिंदु हो गया, तां सिद्ध करो कि रेखाखंड दा सिर्फ इको ही मध्य बिंदु हुंदा है, सिर्फ एक ही मध्य बिंदु हुंदा है। हुण यह हो गया अपना पंजवां क्वेश्चन, इसे दी लगातारता दे विच अग्गे चलदे होए, तां ही मैं इसनूं रब नहीं कीता, इहनूं इहदे पैरलल रख्या होया। तां हुण आपां नूं पता है कि एक रेखाखंड दे विच मध्य बिंदु इको ही हुंदा है ना, बिल्कुल इको ही हुंदा है, पर समस्या आपां उरे सिद्ध करनी है, उरे आपां सिद्ध करना है। तां फिर यूकलिड ने एक डिडक्टिव रीजनिंग ते गल कीती सी, सिद्ध करन दे एक तरीके ते गल कीती सी कि आपां इहनूं उल्टा लैके चलांगे, कि उल्टा की लैके चलांगे, मन लो जे संभव है, जे संभव है आपां की कीता एक रेखा एक बिंदु होर ले लिया सी डैश या डी ले लो थोड़ी मर्जी, जे संभव है तां सी डैश ए बी दा एक होर मध्य बिंदु है, मन लो जे संभव है तां, क्योंकि सब तो वड्डी गल जिहड़ी ए सच्चाई ए रिजल्ट है, बिल्कुल सही रिजल्ट है, ते सही रिजल्ट नूं सिद्ध करन दे लई आपां उल्टा मन के चलदे हुंदे आ कि आपां उत्थों उल्टा लै रहे हां, आपां की लै लिया, मान लो जे संभव है तां सी डैश ए बी दा मध्य बिंदु है। हुण आपां इत्थे की गल कीती है, अगर सी ए बी दा मध्य बिंदु है तां ए सी किहदे बराबर है एक वटा दो ए बी दे, हल। ठीक, हुण हल की हो गया, इत्थे थोड़ा हुण रब करना पैना, सी आपां मध्य बिंदु लैके चल रहे हां, मध्य बिंदु है, इसलिए ए सी बराबर एक वटा दो ए बी, अते आपां सपोज की कीता की मन्ने है सी डैश भी रेखाखंड ए बी दा मध्य बिंदु है, सी डैश भी रेखाखंड ए बी दा मध्य बिंदु है, तो फिर ए सी डैश की हो गया एक वटे दो ए बी को। तो यूकलिड दा परिभाषा की कहती है, अगर दो वस्तुआं एक होर वस्तु दे बराबर ने तो वह आपस भी की होनगियां बराबर होनगियां, एक अते दो तो सज्जे पासे बराबर है, खब्बे पासे भी की हो गए बराबर हो गए, है ना। तो अपने कोले आ गया ए सी बराबर ए सी डैश, इत्थे दो केस बनते हैं दोस्तों,
या तो की होंगे यह उल्टा होंगे, उल्टा की होंगे ए इधर होंगे सी इधर होंगे सी डैश हो जाता, फिर तो यह काम हो गया सी, ठीक है। पर समस्या की आ गई, दोनों एको दिशा च ने, तीर ला रहे दोनों एको दिशा च ने। हुण अगर आ ए सी है तो ए सी डैश वो बराबर है, ये कदों संभव है, जदों सी अते सी डैश संपाति होंगे। संपाति का मतलब इको ही बिंदु ते होंगे, है ना। अगर सी ते सी डैश की होंगे इको जगह ते होंगे तां जिहड़ियां दूरी है की होनी है बराबर होनी है। तो जे संपाति ने इको ही जगह ते ने तां इहदा मतलब की हो गया, अपने कोले कोई होर मध्य बिंदु नहीं हो सकता, जो आपां मन्निया वह गलत है, तो वह सी ही सिर्फ रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। संपाति का मतलब की हो गया दोस्तों, वह इको पॉइंट पर हो गए, सी भी इको थान पर है, सी डैश भी इको थान पर है, तो जो दोनों इको थान पर हो गए तो यह मतलब मध्य बिंदु भी की होगा इको होगा। इतने आप गल की एक होर मध्य बिंदु की, यह की होगी ये अपनी धारणा की होगी गलत होगी, इस करके रेखाखंड का सिर्फ तो सिर्फ एक ही मध्य बिंदु है। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। चित्र विच ए सी बराबर बी डी है तो सिद्ध करो ए बी बराबर सी डी। हल आपां नूं की दिता होया, ए सी बराबर बी डी। ए सी देखो ध्यान नाल आ रहा, ए सी नूं बचाले बी ने तोड़ता, दो हिस्सों हो गया ए बी प्लस बी सी। बी डी नूं सी ने तोड़ता, दो हिस्सों बी सी प्लस सी डी। तो हुण देखो ध्यान नाल, दोनों पासे बी सी सांझा है। आपां परिभाषा की कीती है, अगर दोनों बराबर है उहदे विचों बराबर ही घटा दीए तो रिजल्ट की आऊगा बराबर, आपां परिभाषा की गल कीती है ना। इस करके देखो आपां जो हल करते हैं, क्योंकि दोनों सांझे है आपां डायरैक्ट की कर दिंदे आ कट दिंदे आ, तो पिछे की बच गया ए बी बराबर है सी डी, क्योंकि इत्थे उह परिभाषा वरती गई जे दो वस्तुआं आपस विच बराबर हन तां उहनां दे विचों जे बराबर घटा दीए उह वी की होणगे बराबर। तां आपां असल जुरे बी सी कट्टिआ जां आपां इह कह सकदे आ बी सी घटाया। तां दोस्तो ए सी यूक्लिड दी जान पहचान, यूक्लिड जमायती दी जान पहचान, जिथे आपां कुछ परिभाषावां दी गल कीती है, स्वै सिद्ध दी गल कीती है, ते मूल धारनावां दी गल कीती है, चर्चा कीती है कि किवें ज्योमेट्री दे विच आपां इहनां नूं वरत रहे हां। थैंक यू। किवें यूक्लिड ने अपने आले दुआले दीआं चीज़ां ते वस्तुआं नूं इकट्ठा करके परिभाषावां बनाईआं, स्वै सिद्ध बनाए, मूल धारनावां बनाईआं, ते उहनां नूं अज वी आपां डायरैक्ट या इनडायरैक्ट विच वरत रहे हां। परिभाषावां उही अज भी उस टाइम दियाँ चल रही ने, इस करके इन्हों ज्योमेट्री का जिमायती का पितामा मनिया गया। तो इन दियाँ जो परिभाषावं से दोस्तों तो स्वै सिद्ध सी, उन्होंने अज भी कई रिसर्च चल रही ने, कई सिद्ध भी हो चुकी ने, कई रिजल्ट भी बन चुके ने, कई एज इट इज़ ही सिद्ध मन के सर्वव्यापी सच्चाई मन के अगे दी अगे आपां उहनूं वरत रहे हां। तो यह सी यूक्लिड महान मैथ विज्ञानियों की ज्योमेट्री नूं मैथ नूं देन। थैंक यू।